गुड इवनिंग सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट को। हम लोग अभी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं और माइक्रोस्कोप को हम लोगों ने पढ़ लिया। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ा, काफ़ी डिटेल्स में किया और उसके बावजूद भी कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन सभी बनेंगे। हम समझाते हैं, समझते जाइएगा, कुछ कुछ बातें नोट पॉइंट के तौर पर, सब ऑब्जेक्टिव आता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ये बताए थे, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार आंख पर, लिखते जाइए आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। यह बात हम लोगों ने सीखा था कि जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतने ज़्यादा उतने बड़ा वस्तु दिखेगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब, किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये पेन है, इसका बड़ा साइज देखना है आपको। हे यार, इधर देखिए, ये पेन है, इसका बड़ा साइज अगर आपको देखना है तो इसको नज़दीक लाना पड़ेगा। कितना नज़दीक ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते हैं, कोई दिक्कत? तो वही डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, नहीं तो ये चीज को भी लिखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। लिखिए, किसी भी वस्तु को आंख के नजदीक बड़ा देखने के लिए 25 सेंटीमीटर तक आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक लाया जा सकता है, नहीं? फॉर सी लार्ज साइज वी कैन ब्रिंग्स एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। ठीक है, आंख से कितना दूरी पर ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। वही जो है वो क्या है? लीस्ट डिस्टेंस है। लीस्ट, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिनिक्ट विजन। ठीक है, या इस चीज का नाम है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ
क्लियर विजन, इसका नाम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट, लिख देते हैं इज डी बराबर 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट लिखते जाइए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, दूर जब देखते हैं उस समय आंख रिलैक्स में होता है कि नज़दीक रहेगा तब आंख रिलैक्स में होगा? दूर में रहेगा तो रिलैक्स में होगा। सबसे ज़्यादा रिलैक्स कब होगा? जब इन्फिनिटी पर होगा। अब उससे जैसे जैसे नज़दीक आएगा धीरे धीरे रिलैक्स घटेगा, रिलैक्स घटेगा मतलब आराम घटेगा तो स्ट्रेंड होगा। तो यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तीसरी बात, चौथा लिखते हैं, व्हेन ये लिखते हैं आई इज मोर रिलैक्स, आई इज मोर रिलैक्स फॉर सी इन्फिनिटी, सी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अनंत पर के वस्तु को देखने में आँख अधिक रिलैक्स महसूस करता है, महसूस करता है। तो ऑब्वियसली है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से नज़दीक आएगा तो रिलैक्स घटेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। 25 से तो ला नहीं सकते अंदर, तब मोर स्ट्रेंथ की बात करें, आई इज मोर स्ट्रेंथ फॉर सी ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर के वस्तु को देखने के लिए आँख सबसे अधिक तनाव महसूस करता है। यहाँ रिलैक्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आराम। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, केवल मोटा मोटा पढ़ के निकल, हम तो काफ़ी डिटेल पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चा को क्या कहे। यहाँ तक समझ में आ गया, मिटाते हैं। अब सब चीज़ आप जाने हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये सब हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत? उसके बाद छठा बात देखिए, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। कोई कोई बुक इसी चीज को
ये आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं? बीटा बटे अल्फा से एंगुलर निकालते हैं। इस चीज को डायरेक्ट लिखता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कोणीय आवर्धन। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखें तो वेयर बीटा क्या है? एंगल है, एंगल मेड बाय आई, एंगल मेड बाय आई, ठीक है। और अल्फा क्या है? मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल मेड एट आई बाय इमेज, ठीक है। और ये क्या है? मैक्सिमम एंगल मेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम एंगल कब बनता है? जब 25 सेंटीमीटर पर लाते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं अल्फा। बीटा फिक्स नहीं होता है, बीटा अलग अलग होगा, नॉट फिक्स फिक्स्ड, निश्चित नहीं होता है। सब पढ़ाया हुआ है, नहीं होता है। कहाँ बनेगा इमेज, नहीं बने कोई गारंटी नहीं है। अल्फा फिक्स होता है, अल्फा फिक्स होता है जो एच बटे डी, नहीं जैसे आपको बताए थे कि सपोज डेट ये आँख है, ये क्या है? आँख है हमारा। मैक्सिमम कब एंगल बनेगा? जब इसको 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। कितना पर? 25 सेंटीमीटर पर, यानी डी पर रखेंगे हम लोग, तब मैक्सिमम बनेगा। है ये एंगल क्या था आपका? अल्फा। क्या था ये? अल्फा। डी पर रखना जरूरी है। ये अगर एच है तो एच बटे डी, चूँकि टेन अल्फा लेंगे, क्या लेंगे? तो पी बाय बी टेन अल्फा इसको लेते हैं हम लोग, चूँकि एंगल बहुत कम है तो टेन अल्फा लगभग अल्फा ही हो जाता है, कोई दिक्कत? ये सब हम लोग एजप्शंस लगा के पढ़ते हैं, इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाय डी। यह बात हम लोग को पता है। तो कभी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अल्फा का बात होगा, डायरेक्ट लिखना है क्या? एच बाय डी, और बीटा हम लोग को निकालना होता है। सब चीज हम रिकैप कर देते हैं, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग मैग्निफिकेशन भी समझ गए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन है, ये किसका मैग्निफिकेशन है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, नहीं यानी ये जो है मैग्निफिकेशन किसका है? ये इसको लिख सकते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रकाश की यह युक्ति का आवर्धन क्षमता। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है सब दिन से, ठीक है, लिखते जाइए। छठा के बाद अब सातवां नंबर। अब हम लोग पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या पढ़े थे? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्म दर्शी। ध्यान से देखना बाबू, इसमें दो कंडीशंस पढ़े थे। देखो हम फिर से समझा रहे हैं इसको। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या इसको लिख सकते? देखिए, व्हेन इमेज इज एट कहाँ पे? डी पर। समझ में आ रहा है ना? यानी कहेंगे जब
प्रतिबिंब कहां बनता है? डी पर बनता हो, ठीक है, डी पर बनेगा तो आंख बढ़िया से रिलैक्स रहेगा, स्टैंड रहेगा। हाँ, तो इसको दूसरे शब्द में कहेंगे क्या, व्हेन आई इज मोर स्ट्रेन, जब आंख अधिक तनाव में होता है, इसी चीज का नाम है। जब आंख अधिक तनाव में होता है तो जो ये समझ रहे हैं वही है, या इसका और भी नाम है, क्या जरूरी है नाम पढ़ना, बनबे नहीं करेगा सवाल, कब क्या कहेगा कोई गारंटी है? कितना होता था भाई, 1+D/F ही, इन्फिनिटी पर आता था तो केवल D/F, एक तो ज्यादा है यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, वो क्या है वो, इसको ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कई एक बार एग्जाम में इस फॉर्म में पूछा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, बच्चा सोचता है क्या आप कह रहा है, तनाव नहीं समझे, जब पढ़ा नहीं तो ज़्यादातर यही लिख करके भाग जाता है टीचर। कई एक बार यह पूछा है, जब आंख अधिक तनाव में होगा तब मैग्निफिकेशन प्रूफ कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें वही है, या ये कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के अधिकतम आवर्धन क्षमता, तीनों का मतलब क्या है सेम। फिर से देखिए, जब प्रतिबिंब डी पर बनता है, या ये कह रहा है तो जो आप निकालने जान रहे हैं वही निकालना है, जब आंख पर अधिक तनाव होता है तब कहेगा मैग्निफिकेशन, कोई दिक्कत, या तो कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी के अधिकतम आवर्धन क्षमता, तीनों का मतलब क्या है सेम। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मिटाता हूं इसको। तो इसका फोटो कैसा होगा भाई, फिगर तो आप लोग अब को लगता है प्रैक्टिस कर लिए हैं, काहे कि हम बताए थे कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, नहीं अगर यदि नहीं समझते कि ये इम्पोर्टेंट है या क्या है, उससे क्या मतलब है, केवल पढ़ा दीजिए तो फालतू का तब क्लास आने से कोई फायदा है नहीं। और क्या, तब तो कोई सब्जेक्ट ही पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप कहीं पर भी पैसा दे दीजिए काम चलेगा, पढ़ाने वाले टीचर के पास दीजिएगा तो कम से कम नाम सुनिएगा, जो पढ़ाएगा ही नहीं तो नाम भी नहीं सुन पाइएगा, ठीक है, कहीं पते नहीं चलने देगा आपको, क्योंकि टीचर अगर नहीं बताएगा तो आप नहीं जान पाएंगे, सीधा बात। आ जाइए बाबू, ध्यान से देखिए, जैसे देखो अब कहाँ पर बनाना है हमको इमेज, 25 सेंटीमीटर पर, कहाँ बनाना है, तो एक ऑब्जेक्ट को रखे मान के चलो एच हाइट पर है, पैरेलल जाता है, फिर ये फोकस होकर चला जाएगा, कोई दिक्कत, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे, वो क्या होगा, सीधे चला जाएगा, तो यह क्या दिखाई दे रहा है सर, कि धीरे धीरे ये फैलते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये थोड़ा सा फैलाना, फैला करके ही दिखाना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है। तो यहाँ पर आँख लगा करके जब देखेंगे
तो ये पीछे जब जाएगा, फिर इसको भी जब पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, कहीं तो कहीं इमेज बनेगा, नहीं, जहाँ पर इमेज बना, जहाँ पर इमेज बना उसको हम लोग एच डैश कहते हैं। और ये कहाँ बना रहे हैं अभी हम लोग? डी पर। कहाँ पर बना रहे हैं? डी पर। कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो मैग्निफिकेशंस हुआ, ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए कुछ एक्स मान लिए, क्या मान लिए? एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तब इस सिचुएशंस में हमारा मैग्निफिकेशन, हमारा मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशंस आएगा। इस समय आंख बड़ा, ये तीनों बात हो रही है, ठीक है, वह मैग्निफिकेशन निकाले थे वन प्लस क्या डी बटे एफ, ये निकाले थे आंख के बगल में, इसलिए इसको आई पीस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है मैग्निफिकेशन, समझ में रहेंगे। अब दूसरा सिचुएशन हम कब पढ़े थे? अनंत पर। कहाँ पे? तो क्या इसके बीच में नहीं बनता है? सब बनता है, हर एक जगह बनता है। तो आप जो ये फार्मूला रटोगे, ये जो फार्मूला आप रटोगे, ध्यान से देखिए, यह केवल आप इसके लिए ही रट रहे हैं, ना समझे? ऐसा नहीं कि सिंपल माइक्रोस्कोप केवल यहीं पर आपको इमेज बना के देगा, यह जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी बनाएगा। और दूसरा आप कहाँ का पढ़ लेते हैं? मैक्सिमम का। दूसरा कहाँ का पढ़ लेते हैं? मैक्सिमम वाला। एक पढ़ लेते हैं मिनिमम वाला, दूसरा पढ़ लेते हैं मैक्सिमम वाला। अब बीच में अगर कहीं बन रहा हो इमेज, तब तो हवे गुम हो जाएगा, उस समय के लिए फार्मूला आपके पास है ही नहीं। तब हम लोग को मैग्निफिकेशन बेसिक प्रिंसिपल से निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? बेसिक प्रिंसिपल से। यह स्टैंड आई के लिए है, कोई दिक्कत? यहाँ पर स्टैंड आई है और यह मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। ये क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इससे ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं कर पाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। फटाक से लिखिए, जल्दी से लिखिए, ये तीनों बात लिख करके ये फिगर बनाइए। नीचे मिटा दूं? केस सेकंड, अगर एग्जाम में पूछ दिया आप ये भी बना दोगे तब फिर भी तीन नंबर दे देगा, ये बना के ये लिख दोगे तो कितना नंबर दे देगा? तीन। कहानी तहानी में ज़्यादा नंबर नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर, तब फिर भी मोटे तौर पर जो जानते हो सबको लिखने में क्या जाता है, लिख देंगे। मिनी मम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर, एमपी मतलब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्म दर्शी का न्यूनतम आवर्धन क्षमता, या इसी चीज को कहेंगे क्या, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, जब प्रति बिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब कहाँ हो? अनंत पर हो, या इसी चीज को क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन पावर फॉर मोर रिलैक्स आई,
ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के या इस गोली में गोली मारो इसको, मैग्निफिकेशन फॉर मोर रिलैक्स आई, यानी क्या कहेंगे सबसे अधिक आराम आंख, आराम आंख के लिए आवर्धन क्षमता। जब सबसे अधिक आंख आराम में रहेगा तब क्या होगा आवर्धन क्षमता, कोई दिक्कत? अच्छा ये भी निक बता दें कि ये निकाले कैसे थे, देखो एक सेकंड में एक लाइन में देखिए, चूंकि जानते अल्फा बराबर कुछ नहीं, सबको याद हो गया एच बाई डी, चलिए बीटा निकालना है, बीटा बराबर देखिए ये एंगल आंख पर बनाया इमेज है क्या हो जाएगा एच बटे एक्स, कोई दिक्कत? इसीलिए एम पी बराबर हम जानते हैं बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे बीटा का मान एच बटे एक्स, अल्फा भाग देना है तो उलट जाएगा डी बटे एच हो जाएगा, एच एच कैंसिल क्या आ गया डी बटे एक्स, क्या आ गया डी बटे एक्स। अब यहाँ पर हम लोग तुरंत लेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं, चूंकि 1 बाय वी बराबर क्या होता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, देखो बाबू 1 बाय वी, वी कितना पर बन रहा है 25, यानी माइनस डी इधर जाएंगे तो माइनस 1 बाय यू कितना होगा एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ, इसीलिए तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू गड़बड़ हो गया नहीं, चलो d से दोनों तरफ गुना कर दिए d बटे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस d बटे एक्स d बटे f, कोई दिक्कत? दोनों साइड गुना कर दिए, ये कैंसिल होके माइनस वन प्लस d बटे एक्स इज इक्वल टू डी बाय एफ, तो यहाँ से हमको d बाय एक्स इज इक्वल टू वन प्लस हो गया d बटे f, कोई दिक्कत बताइए? तो यहाँ पर अब इसलिए बताइए एम पी बराबर तब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो डी बटे एक्स क्या कहलाता है वन प्लस डी बटे एफ कहलाता है कि नहीं, एक लाइन में प्रूफ भी है, बड़ा चीज नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हो उसको, लिख लो प्रैक्टिस सो मच इम्पोर्टेंट। अगर आप फेल्योर करते हैं तो आप यह सोचिए, टेंशन नहीं, आप यह सोचिए कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गया था। अगर किसी सफलता न लगकर असफलता हाथ लगता है किसी भी चीज में, तो आप सीधा ये सोचिए कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गया था, और दूसरा कुछ भी नहीं। फोटो बना लिया था, फोटो मिटा दूं, चलो अब दूसरे केस के लिए, इसके लिए हम निकालते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है, एक लेंस ले लेते हैं हम लोग, ये भी कैसा लेंस लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस, कैसा लेंस लेते हैं उत्तल, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको कहाँ पर बनाना है इमेज, इन्फिनिटी पर, कहाँ पर बनाना है इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा इसके फोकस पर, कहाँ पर रखना पड़ेगा, तब ना पैरेलल लाइट आया
और ये ऐसे चला गया, यहाँ से जो आएगा ये भी चला जाएगा, एकदम समांतर है ये क्या है, एकदम समांतर है। तो ऑब्वियसली है, इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, कहाँ बढ़ाएंगे हम लोग, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इन्फिनिटी पर बनाएगा इमेज, कहाँ पर बनाएगा, इन्फिनिटी पर बनाएगा, आंख लगा कर देखेंगे तो अनंत पर बनाएगा, नहीं बहुत बड़ा सा बनाएगा, कोई दिक्कत। तो इमेज कहीं तो कहीं बनेबे करेगा, बनाएगा कि नहीं, तो ये आंख पर एंगल बनाया कितना, बीटा, कितना बनाया, बीटा, कोई दिक्कत। हाइट है ऑब्जेक्ट का एच, क्या है, तो यहाँ पर भी चूंकि अल्फा बराबर, तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना, हमेशा एच बटे डी होगा, ये डी नहीं ना है जी, ये कितना दूरी पर है, एक्स नहीं है, इस बार कितना है, एफ दूरी पर है, कितने दूरी पर है, एफ, यानी इसका एफ दूरी पर है, फोकस पर है, कितने पर है, फोकस। एच बाय एफ भी लिख सकते हैं आप, एच बाय एफ भी लिख सकते हैं अल्फा के जगह पर, सॉरी नहीं, अल्फा के जगह पर तो एच बाय डी फिक्स है, कोई दिक्कत। बीटा निकालना है, बीटा बराबर पी बाय बी, यानी एच बटे एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले की तरह एक्स लिखिए, एक ही बात होगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से ये छोड़ो, अभी हम मान लेते हैं ये एक्स है, कितना है ये एक्स, बाद में करेंगे कि ये एफ पर है, बाद में क्या करेंगे, एफ पर है, ये फोकस भी है, ये क्या है, ये फोकस एक्स। तो इसीलिए हमको एम पी चाहिए, बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा, एच एच कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन पहले जान रहे हैं हम, ये नहीं कि पहले भी था, डी बटे एक्स। अब चाहिए यहाँ पर एक्स निकालना है, निकाल लीजिए, एक्स निकालना है तो निकाल लीजिए, भी इस बार कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, कहाँ पर बन रहा है, अनंत पे, भी कहाँ पर बन रहा है इस बार, अनंत पे, अनंत ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना जगह, वन बटे एफ, तो यहाँ से एक्स के जगह पर क्या आ गया, एफ, क्या आ गया, जो कि सच्चे है एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैग्निफिकेशन फटाक से आप लिख सकते क्या, डी बटे एफ, डी बटे एफ, समझ में आ रहा है कि नहीं, डी बटे एफ। ये भी मैग्निफिकेशंस का ही फार्मूला है, ये भी मैग्निफिकेशंस का ही फार्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कब है, डी जब 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनाता है तब, अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि 50 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने पर बना रहा है, 50 सेंटीमीटर पर बना रहा है, तब यह निकालने में के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, नहीं समझे, यह केवल बताएगा कहाँ का, अनंत का, कहाँ का, अनंत का, जो मैक्सिमम मिनिमम है, जो क्या है, मिनिमम, और एक तो बताया क्या, मैक्सिमम वाला, नहीं वन प्लस डी वाई, उसके बीच में जो बनाएगा, हर जगह बनाएगा इमेज, नहीं समझे, वह बताने की इसके औकात नहीं है, कोई दिक्कत। लिखिए जल्दी से, नीचे लिखा था, नीचे उतारो उसको, आठ के बाद नौ नंबर आपको कहेगा रेंज, रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज फ्रॉम कितना, इज बिटवीन, या इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, डी बाय एफ टू वन प्लस डी बटे एफ,
समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहेंगे हम लोग सरल, सूक्ष्म दर्शी के आवर्धन क्षमता का परास कहाँ से कहाँ तक? डी बाय एफ से लेकर वन प्लस डी बाय एफ तक होता है। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। 10 नंबर, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। यानी हम क्या कहेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के अधिकतम, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी के अधिकतम एवं न्यूनतम आवर्धन क्षमता के अंतर होता है। कितना होगा बोलो तो? 1, 1 होता है। अंतर कितना होगा? मैक्सिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये घट जाएगा तो 1 बचेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अंतर कितना होगा? 1। क्या हुआ? अच्छा चलने दो, अंतर कितना हो गया? 1। मिटाओ इसको, ऊपर क्वेश्चन दे रहा है। इफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, ऑफ सिंपल, एक सेकेंड, लिख रहे हैं, इफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर। ए नंबर, फॉर मोर स्ट्रेंथ आई, बी नंबर, मोर रिलैक्स आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 नंबर, सी नंबर, इमेज एट फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर। 3 केस दे रहे हैं। अगर किसी सरल सो
सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता ए नंबर जब आंख सबसे अधिक क्या है तनाव में हो, बी नंबर जब आंख सबसे आराम में हो, सी नंबर अगर प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनता हो। तीन तीन सिचुएशन, ठीक है, मिटा दूं। तो ध्यान से देखिए, जब आंख कहाँ है, आराम में है, 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, सर याद हो गया है, टेंशन आपका ही लेते, तुरंत करेंगे 1 + d / f, आराम से निकल जाएगा इस फॉर्मूले पर, बच्चा भी बना देगा। ए नंबर हो गया, बी नंबर का मैग्निफिकेशन, d / f यूज करेंगे, आराम से निकल जाएगा। अब की बार 50 सेंटीमीटर पर बना रहा है, ये m कहाँ पर का हो गया, ये m जो था लीस्ट डिस्टेंस पर और ये m इन्फिनिटिव। 50 सेंटीमीटर के लिए आप कुछ जानते हैं ना, जानते हैं, इसीलिए तब मैग्निफिकेशन बराबर फार्मूला ये निकालते थे ना, कौन सा, कौन सी बटे x था जे बीटा है, डी बा एक्स, इसी से निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए कैसे निकालेंगे 50 सेंटीमीटर, यानी इमेज का मान कितना दे दिया, चूंकि वी का वैल्यू कितना है बताइए, माइनस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं, एक्स पर, कहाँ पे, एक्स पे, एक्सेपन ना है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ना है, कोई दिक्कत, और फोकस आपको दिया ही है, कितना है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से, चूंकि 1/v - 1/u = 1/f, 1/50 यानी -50 -1/u, u के जगह पर -x है, -x 1/10, इसलिए 1/x चूंकि ये प्लस हो गया = 1/10, इधर माइनस है तो प्लस 1/50, 1/x = एलसीएम ले लीजिए 50, 10 × 50 1, यानी 1/x = 6/50, x का मान कितना आ गया 50/6 नहीं, इसलिए अब मैग्निफिकेशन देखते हैं, कोई फार्मूला काम किया इस बार, काम किया नहीं ना किया, ये वाला फार्मूला काम, ये बाप वाला फार्मूला नहीं, कोई दिक्कत, तो ये भी मैग्निफिकेशंस का फार्मूला है, यही ओरिजिनल है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर और एक्स 50 6 ऊपर चला जाएगा, दो बार में ये कट जाएगा, कितने बार में, तीन बार में, यानी मैग्निफिकेशन कितना निकला इसका, तीन, कितना निकला, तीन, यहाँ निकालिएगा तो कितना निकलेगा 1 + 25/10, कितना जाएगा 3.5, कितना जाएगा, और यहाँ निकालिएगा तो 2.5,
यहाँ निकालिएगा तो क्या आएगा, ढाई। अब देखिए ये ढाई, ये साढ़े तीन, नहीं जब आँख को कष्ट हो रहा है देखने में तो ज़्यादा ज़्यादा कितना गुना, साढ़े तीन गुना, एकदम रिलैक्स है तो ढाई गुना, और ये तीन गुना निकला, कितना उसके बीच में बना कि नहीं बना। तो इमेज हर जगह बनाता है, हर जगह इमेज बनाता है, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। टाइम हो गया क्या, पक्का क्लास है, है ना, एक मिनट छोड़ दें कि लेंगे क्लास। अच्छा ठीक है, तब फिर यही होगा, लेट लगेगा, क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं। कल फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी रिवाइजिंग नहीं करवाएंगे तो देखो, मेरा जहाँ तक अनुभव है, ध्यान से देखिए, एक बार में ये टॉपिक फिनिश्ड नहीं हुआ जा सकता है, नहीं जब तक यह लिखेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं उसको फिर से, तब तक उसका विजन क्लियर नहीं हो सकता है। खतरनाक है लेकिन मज़ा भी दिलाता है। टीचर अपना काम पूरा कर ले अलग बात है, एगो फोटो बना देता है बस हो गया, माइक्रोस्कोप काम खत्म।